हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। आज हम बनाएंगे जीरा अनियन राइस। तो इसके लिए मैंने राइस लिए हैं, बॉयल्ड राइस है, करीब चार बाउल हैं ये बॉयल्ड राइस के। एक बड़ा चम्मच जीरा, तीन से चार दालचीनी के टुकड़े हैं, नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, चावल में ज़्यादा डलता है, जिंजर एंड गार्लिक बारीक चॉप किया हुआ है मैंने, और एक बड़ा प्याज जुलियंस में कट किया हुआ। तो इसे हम बटर में बनाने जा रहे हैं। एक पैन में बटर मेल्ट करें और उसमें जीरा एंड दालचीनी मैंने डाल दिया है। इसको हल्का सा गर्म कर लेना है ताकि इसका फ्लेवर बटर में आ जाए। जीरा जैसे गर्म हो चुका है, अब इसमें जिंजर गार्लिक डाल के इसे अच्छे से सौते कर लें, हल्का सा गर्म कर लें, ज़्यादा गर्म इसे नहीं करेंगे। जिंजर गार्लिक अच्छे से सौते हो चुका है, अब इसमें प्याज डाल दें और प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन करना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसे लगातार चलाते भी रहें और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखें। फिर देखिए फ्रेंड्स, पैन में मैंने बटर गर्म किया है, इसमें मैंने जीरा गर्म करने के बाद, दालचीनी गर्म करने के बाद इसमें जिंजर गार्लिक और अनियन डाला है। अनियन को हमने अच्छे से ब्राउन करना है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने गर्म किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें नमक और गर्म मसाला हल्के से मिला लें, ज़्यादा इसे नहीं भूनना, हल्का सा मिलाएं। हिसाब से इसमें हम उबले हुए चावल डाल देते हैं, चावल डाल के इसे मिला लें और तीन से चार मिनट तक इसको लो फ्लेम पर पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जीरा अनियन राइस रेडी है। इसे मैंने तीन से चार मिनट तक गर्म किया है लो फ्लेम पर। तो इसे आप दाल और रायता के साथ सर्व करें, तो जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।